हीमोफीलिया से जुड़े हुए वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे बने हैं, जिसमें दो वीडियो जो पिछले हफ्ते अपलोड हुए थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो आपको देखने चाहिए। और उन वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कहाँ पर हम हीमोफीलिया का फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं, साथ ही साथ हीमोफीलिया में अब क्या नए अपडेट्स आए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं उन लोगों के लिए जो कि हीमोफीलिक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस स्क्रीन पर क्लिक करके जो आई बटन ऊपर दिखाई देगा उससे आप वहां से उसके लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर हम हीमोफीलिक हैं एक एज ए पेरेंट्स, तो क्या हमारे बच्चे तो कैरियर नहीं है उसके, और कौन सा बच्चा उसमें कैरियर है और कौन सा नहीं, तो इसके लिए हम कौन से टेस्ट कराएं और कहाँ कराएं। तो आई थिंक सो कि ये जो टेस्ट हैं ये आप आसानी से जो बड़ी लैब हैं उनमें आराम से करा सकते हैं, और इसके लिए जो भी जहाँ जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके पास जाकर आप उनसे कह सकते हैं कि आप प्लीज़ मुझे इसका टेस्ट लिख दीजिए और ये मुझे लैब में कराना है। तो वो टेस्ट की जो स्लिप होगी वो आप लेकर अगर एक अच्छी लैब में जाएंगे तो वहाँ पर ये टेस्ट हो सकते हैं। इन टेस्ट के नाम के बारे में मुझसे पूछा गया था कि ये किस नाम से आप टेस्ट कराएंगे वहाँ पर जाके, तो ये दो तरीके से टेस्ट हो सकते हैं। जो पहला है टेस्ट फॉर फैक्टर लेवल, जिन लोगों में फैक्टर 8 और 9 का लेवल कम है वो हीमोफीलिया के कैरियर हो सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे फैमिली में जो बच्चा है क्या वो कैरियर है या नहीं। तो अगर इस टेस्ट को आप कहीं भी कराना चाहें तो इस नाम से इस टेस्ट को आप करा सकते हैं, जिसका नाम फैक्टर लेवल है। इसके बाद जो सेकंड टेस्ट आता है वो है जेनेटिक टेस्ट। इस टेस्ट में कंफर्म हो जाएगा कि आप या आपका बच्चा हीमोफीलिया कैरियर है या नहीं। इन दोनों ही टेस्ट से आप पता कर सकते हैं कि आप या आपका बच्चा हीमोफीलिया का कैरियर है या नहीं। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे की प्लानिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप इन सभी चीज़ों में प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो ये जो टेस्ट हैं उनको कराने से पहले आप जहाँ से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसके अंडर ऑब्जर्वेशन में आप हैं, उससे एक बार ज़रूर डिस्कस करें और उनसे भी ये सलाह लें कि हमें ये टेस्ट कहाँ से कराने चाहिए और कौन सी लैब से कराने चाहिए, जिससे कि वो आपको सही सलाह दे पाएँ और जिससे कि उस टेस्ट की जो एक्यूरेसी हो वो भी मेंटेन रहे। यहाँ पर एक चीज़ और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए और हमेशा ध्यान भी रखना चाहिए कि अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी, चाहे बच्चा या कोई और, हीमोफीलिया का कैरियर है, तो जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं कभी भी कहीं से भी किसी भी तरीके का, तो अपने कंसर्निंग डॉक्टर को इसकी जानकारी ज़रूर देंगे। वो डॉक्टर फिजिशियन भी हो सकते हैं जो नॉर्मल ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, कभी ये भी हो सकता है कि आपको डेंटल सर्जन से मिलने की ज़रूरत पड़ती है बच्चे के लिए, दांत में कोई प्रॉब्लम है या दांत में कीड़ा लग गया है, उस स्थिति में कोई भी अगर ट्रीटमेंट कराना है बच्चे का, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि डॉक्टर को ये ज़रूर बताना है कि बच्चा हीमोफीलिया का पेशेंट है या फिर हीमोफीलिया का कैरियर है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जब हम डॉक्टर से मिलते हैं और कभी पेशेंट नहीं बताते हैं, तो गंभीर स्थितियाँ भी उस समय पैदा हो जाती हैं जब ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को ये नहीं पता होता है कि पेशेंट हीमोफीलिया का कैरियर या फिर हीमोफीलिया का पेशेंट है। दांत का जहाँ ट्रीटमेंट होता है उसमें अगर उसका दांत दूध का है या फिर कोई दांत में कोई प्रोसीजर आप करा रहे हैं या फिर टाटर जमा हुआ है या फिर आप गम्स में कोई ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो उस स्थिति में अगर कोई भी प्रोसीजर दांत में किया जाएगा तो हो सकता है कि अगर उसमें ब्लीडिंग हो तो वो रुके ना, और ऐसी स्थिति में उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर उससे अवेयर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो ख़ास तौर पर आपको उसको इस बारे में बताना है कि आपका बच्चा या आप हीमोफीलिया के पेशेंट हैं, जिससे कि वो प्रियर प्रिकॉशंस लें और उसके बाद पूरी सावधानी के साथ आपको जो प्रोसीजर देना चाहिए, जो भी दांतों में या मुंह में प्रोसीजर होगा आपके, उसका पूरा ध्यान रखा जाए।
तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर कोई लड़की हीमोफीलिक है या फिर घर में कोई बेटी आपकी हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो वो जब बड़ी होगी या फिर जब वो यंग एज में रहेगी, अगर उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके साथ फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें और मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होता है, तब भी अगर कभी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत पड़ती है तब आप ज़रूर उस गायनेकोलॉजिस्ट को उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी बच्ची हीमोफीलिया की कैरियर या फिर हीमोफीलिया की पेशेंट है, जिससे कि जो भी डॉक्टर उसको देख रही है वो पूरा प्रिकॉशंस ले उसमें भी, और जो एक बेस्ट ट्रीटमेंट उसको होना चाहिए, उसके लिए मिलना चाहिए, वो उसको दे पाए। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जहाँ पर आप इसका टेस्ट से ये पता कर रहे हैं, इतने सजग हैं आप, तो इसके साथ साथ आप ये भी ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जिस भी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं उनको आप ये ज़रूर बताएंगे कि आपके आपकी फैमिली या फिर आप या आपका बच्चा हीमोफीलिया का कैरियर या फिर हीमोफीलिया का पेशेंट है, जिससे कि डॉक्टर जितना आपको अटेंशन दे उससे कहीं ज़्यादा और अटेंशन दे पाए, ठीक है, जो कि आपके लिए भी सेफ है और उस डॉक्टर के लिए भी थोड़ा आसान होगा उन स्थितियों से निपटना जो कि आगे आ सकती हैं आपके साथ, ठीक है। तो आई होप सो कि इस वीडियो से हम इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है अपनी फैमिली और उन मेंबर्स के लिए जो कि हीमोफीलिया के पेशेंट हैं या फिर हीमोफीलिया के कैरियर हैं। तो आई होप सो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, ख़ास तौर पर उस समय ज़रूर जब आप किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल फिजिशियन है, चाहे वो एक डेंटल सर्जन है, चाहे वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, इन सब को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो पूरा प्रिकॉशन लेके आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे पाए। तो आई होप सो कि इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो नए टॉपिक के साथ फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।